जय श्री वासुकी नाग जी महाराज। भद्रवा आए और वासुकी नाग मंदिर जी के ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आज हम वही जगह पर हैं। भद्रवा की इस जगह को गाठा कहा जाता है और यहीं पर सबसे पुराना मंदिर जो है वासुकी नाग भगवान जी का वो स्थित है। यहाँ मंदिर प्रांगण में हम जाएंगे और वासुकी नाग जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। पंडित जी से आते ही हमने बात की, कुछ जानकारी उनकी तरफ से भी हमें हासिल हुई है और कुछ जानकारी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ से भी हमने हासिल किया, और जो लोग आए थे उनसे भी हमें जानकारी हासिल हुई है कि ये मंदिर कितना पुराना है, कितना ऐतिहासिक है। और ये भी बताया गया है कि इस मंदिर को जब बनाया गया था, एक पेड़ था यहाँ पर जिसकी छैया में भगवान वासुकी नाग जी रहते थे, और उसके बाद उसी पेड़ में से वो मंदिर तैयार किया गया था, और इसके अंदर भगवान वासुकी नाग जी का वास है, उनकी मूरत है, और उनके मित्र हैं उनकी भी यहाँ पर जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। तो चलिए आपको भगवान वासुकी नाग जी के दर्शन करवाते हैं। भगवान वासुकी नाग जी का सामने मंदिर है, वहाँ उनकी मूरत है, उनके साथ ही उनके मित्र हैं राजा जमीतमान जी। भगवान वासुकी नाग जी को नागों का देवता या भगवान या राजा कहें वो माना जाता है, और भगवान शिव के गले में जो विराजमान है वो भी भगवान वासुकी नाग ही हैं। और समुद्र मंथन के समय जो राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, उस समय भी भगवान वासुकी नाग जी का ही सहारा लिया गया था। और यहाँ आप देखें, क्योंकि अभी ये मंदिर एक साल पहले बताया जा रहा है कि इसे पुनर्निर्मित किया गया था, यानी कि और भव्य तरीके से इसे बनाया गया। यहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं ये, और जो पुराना मंदिर है जो वो तस्वीर यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर लगाई गई है, ये वो तस्वीर है। यही वो मंदिर है जो एक दरख्त का बना हुआ है, जो शुरुआत में मैंने बताया कि यहीं इसी एक जगह पर एक पेड़ था, विशाल पेड़ था, जिसकी छैया में भगवान वासुकी नाग जी रहते थे, और एक ग्वालन थी जिसे उनके दर्शन हुए थे, और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया, उनके पुत्रों द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ये वो मंदिर है, और उसके बाद अभी एक साल पहले इसे पुनर्निर्मित किया गया है। चलिए आपको अंदर दर्शन करवाते हैं भगवान वासुकी नाग जी के और उनके मित्र राजा जमीतमान जी के, आइए। हटाया अभिमान को ओंकार रखी थी राज द्रुपता की, हटाया अभिमान को ओंकार। मेरा नाम रविशंकर शर्मा है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ, और ये वासुकी नाग जी की है, ये इनके मित्र हैं जमीतवान जी। यहाँ की यही मानता है कि ये एक ही दरख्त से बना हुआ है, एक ही पेड़ का बना हुआ है। इनके ये मित्र हैं, इनका नाम जमीतवान जी है। यहाँ से ये छड़ी हर साल कैलाश कुंड के लिए जाती है। इसके वो गायें आती थी ना इधर, हाँ वो दूध पिया ना इन्होंने, ये छुप के पीते थे ना दूध, हाँ जी। अच्छा। इनको देख लिया तो फिर बोला इन्होंने कि मेरा मंदिर बनना चाहिए इधर ही, एक ही दरख्त का। हाँ, इधर एक दरख्त था, उसी का बना हुआ है। तो ये किसने बनाया था मंदिर? ये नागराज पाल ने। अच्छा, उस समय का। हाँ, कितना पुराना है ये? 2500 साल पुराना। अच्छा, मतलब 2000 साल, 38 साल। अच्छा, कौन से आप वो विक्रमी 10 में? विक्रमी 10 में ये मंदिर बना था। अच्छा, ये और ऊपर भी सिटी का, यहाँ से छड़ी जाती है, मतलब वो नहीं जा सकते तब तक जो कैलाश कुंड को जाते। हाँ, पहले यहीं पर आती है, छड़ी यहीं से जाती है। श्रद्धालु तो आते रहते हैं, श्रद्धालु साल भर यहाँ पर। कोई इस जगह का एक तो छड़ी जाती है, उसके अलावा कोई मेला वगैरह? बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन वासुदेव वासुकी नाग को कैसे रे जाऊं मैं, श्री वासुदेव वासुकी नाग को कैसे रे जाऊं। मेन मंदिर जो दरवाज़ा है, जो मुख्य द्वार है, उसके अंदर चमड़े की कोई चीज़ आप ले जा नहीं सकते, बेल्ट है, पर्स है, वो आपको बाहर ही रखना होगा, और बिना सिर कवर किए आप अंदर नहीं जा सकते। ये आप देख सकते हैं,
ये जो मैंने यहाँ पर कैप लगाई है यहीं से मिल जाती है, यहीं से मैंने ली और अंदर भगवान के दर्शन किए। जो सबसे बड़ा इस क्षेत्र का नाग उत्सव है जिसे जागरू कहा जाता है वो भी यहीं पर मनाया जाता है और कई सारे भक्त रात को आते हैं जागरू जिसे कहते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। और ये जागरू जो है ये 15 दिन तक चलता है। बताया जाता है कि जब कैलाश कुंड यात्रा शुरू होती है या राखी के एक दिन बाद इसकी जागरू उत्सव की शुरुआत हो जाती है और 15 दिन तक जागरू उत्सव मनाया जाता है। और कैलाश कुंड यात्रा यहाँ जो छड़ी जाती है वो भी यहीं से उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर पहले दर्शन किए जाते हैं, उसके बाद कैलाश कुंड यात्रा के लिए यहाँ से भक्तों का श्रद्धालुओं का जो जाना है वो शुरू हो जाता है। सबसे बड़े नाग उत्सव की जो मैंने आपको बात बताई जागरू, वो यहीं इसी जगह पर मनाया जाता है और वो अभी जागरू उत्सव चल रहा है। कल रात को भी मनाया गया था और काफ़ी ज़्यादा भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ पर वो लकड़ियाँ सामने हैं, वो लकड़ियाँ यहाँ पर जलाई जाती है और जागरू उत्सव किया जाता है। भगवान वासुकी नाग जी के जब भी आप दर्शन करने आएंगे, इसके साथ साथ आपको शीतला माता और माँ भद्रकाली के भी दर्शन हो जाएंगे। माँ भद्रकाली भगवान वासुकी नाग जी की सगी बहन है और शीतला माता उनकी चचेरी बहन है। ठीक यहाँ सामने अगर देखें तो वहाँ पर माँ शीतला माता का मंदिर है और इसके अपोजिट सामने ही वहाँ पर माँ भद्रकाली का मंदिर है। तो जब भी भद्रवा आइएगा यहाँ पर दर्शन किए बिना मत जाइएगा, आपकी हर मनोकामना भगवान वासुकी नाग पूरी करेंगे। जय भगवान वासुकी नाग जी।